हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा विषय एक नया और बहुत ही बेहतरीन है, जिसको सुनकर आपको सुनने के बाद ही लगेगा कि वाह क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है बुलेट ट्रेन। जी हाँ, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना जो इंडिया में साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी कुछ ही समय पहले और ये कहा था कि अगस्त 2022 को बुलेट ट्रेन इंडिया के ट्रैक पर दौड़ेगी। इंडिया के ट्रैक तैयार कर लिए गए हैं और तैयार होने के बाद उन पर रनिंग मोड में बुलेट ट्रेन के ट्रायल शुरू होने वाले हैं। काफ़ी स्टेशन तैयार हो गए हैं और कुछ स्टेशन तैयार होने बाकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब दिल्ली और इंडिया का सपना बुलेट ट्रेन का साकार होने जा रहा है। इस सपने में सबसे पहला चरण क्या होगा, कहां से कहां तक ट्रेन चलेगी, उसकी जानकारी हम आपको देंगे और कुछ बुलेट ट्रेन के बारे में भी आपको बताएंगे। अगली वीडियो में हम बुलेट ट्रेन के बारे में आपको विस्तार से भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी रूट पर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन दौड़ा करेगी। यह पूरा स्ट्रेच 816 किलोमीटर यानी कि 816 किलोमीटर का होगा, जिसमें कुल 13 स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों में से दिल्ली में एक अंडरग्राउंड और 12 एलिवेटेड स्टेशन उत्तर प्रदेश में होंगे। दिल्ली से चलकर वाराणसी चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 330 किलोमीटर प्रति आर होगी, यानी कि एक घंटे में 330 किलोमीटर की दूरी यह तय कर सकती है। यह इसकी हाई स्पीड होगी, हालांकि इसकी हाई स्पीड जो है वो 350 किलोमीटर पर आर है। इतना ही नहीं, एक स्टेशन दिल्ली में अंडरग्राउंड का निर्माण जारी है, यानी कि दिल्ली का जो स्टेशन होगा वो अंडरग्राउंड होगा। नोएडा में बुलेट ट्रेन के दो स्टॉपेज होंगे। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से रवाना होगी और पहला स्टॉपेज नोएडा सेक्टर 142 में होगा। बुलेट ट्रेन का अगला स्टॉपेज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं ये बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक सफ़र करेगी। इस तरह सराय काले खां से होते हुए नोएडा के सेक्टर 142 नोएडा एयरपोर्ट के बाद बुलेट ट्रेन मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही होते हुए वाराणसी तक का सफ़र तय करेगी। बुलेट ट्रेन की रफ्तार आप सभी जानते हैं 350 यानी कि 350 किलोमीटर पर आर की तय की गई है। औसतन एवरेज अगर इसकी हम देखें तो 250 किलोमीटर प्रति आर यह कवर कर लेती है। वहीं बुलेट ट्रेन ट्रैक पर 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा करेगी। बुलेट ट्रेन से वाराणसी से दिल्ली के बीच जहां अभी ट्रेन में से अगर हम सफ़र करते हैं तो 10 से 12 घंटे हमें अनुमान लग जाते हैं। अगर हम बुलेट ट्रेन से वही दूरी तय करेंगे दिल्ली से वाराणसी की, तो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाएंगे। सिर्फ 4 घंटे में, एक दिन में दिल्ली से वाराणसी के यह 18 फेरे लगाएगी। अब एक बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, दिल्ली वाराणसी ट्रेन परियोजना के बाद क्या योजना रहेगी, इसकी तैयारी भी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक बुलेट ट्रेन एक दिन में दिल्ली से वाराणसी के 18 फेरे लगाएगी। इसके अलावा दिल्ली से लखनऊ के बीच 43 और दिल्ली से अयोध्या के बीच 11 एवं दिल्ली से आगरा के बीच 63 फेरे लगाएगी। तो यह भी बताया जा रहा है कि वाराणसी दिल्ली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत लगभग आपका 2.3 करोड़ रुपए होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को और हमारी इन्फॉर्मेशन को लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हम प्रोवाइड कराते रहें, आपको मिलती रहें। इसके साथ अभी के लिए विदा लेते